नमस्कार साथियों, एल क्लासेज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और इस होली के पावन अवसर पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं अग्निवीर परीक्षा के लिए एक क्वेश्चनों की श्रृंखला। उस क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम जीके के क्वेश्चन पेपरों की शुरुआत करते हैं। उसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। आगे हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। मणिपुर राज्य की राजधानी है, तो मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। इसमें ऑप्शन में और भी है, गुवाहाटी है, गुवाहाटी यह है असम में, यह कोई कैपिटल नहीं है। और दिसपुर है, ये दिसपुर असम की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई? देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ये कब होती है? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। और यह एक ऐतिहासिक युद्धों में शामिल है। ऐतिहासिक युद्ध में इसलिए है क्योंकि पहली बार मुगल राजवंश की नींव इस युद्ध के बाद में पड़ती है। पहला जो मुगल वंश का संस्थापक था वो था बाबर, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके ही भारत में मुगल वंश की नींव बाबर के द्वारा रखी जाती है। नेक्स्ट है, दूसरा है, इसमें ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो युद्ध लड़े जाते हैं। पहला युद्ध तो है 1191 में और दूसरा है 1192 में। 1191 में अजमेर के चौहान शासक थे, ये पृथ्वीराज चौहान, तो इनके ऊपर आक्रमण करते हैं मोहम्मद गोरी। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी पराजित हो जाते हैं। तो इस युद्ध में पराजय के बाद में, प्रथम युद्ध में पराजय के बाद में मोहम्मद गोरी प्रण लेते हैं कि जब तक मैं पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराऊंगा तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। और ये माना जाता है इतिहास में कि एक साल की इतनी बेहतरीन तैयारी के बाद में मोहम्मद गोरी वापस 1192 में अजमेर आते हैं और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते हैं और पृथ्वीराज चौहान को बुलावे में रखते हैं कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन जब सुबह का समय था, सब सो रहे थे सैनिक, उस समय अचानक से मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया और एक छल कपट से इस युद्ध को जीत लिया। तो इस दूसरे युद्ध में होती है मोहम्मद गोरी की जीत। आगे है बाबर और राणा सांगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में भी एक युद्ध होता है 1527 में, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। इस खानवे के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से, राणा सांगा ने एक पद्धति अपनाई थी पाती पैरवन। और ये पद्धति ऐसी थी, पाती पैरवन की पद्धति अपनाते हैं, और ये पद्धति ऐसी थी कि इसमें सारे राजपूत शासक एक होकर मुगलों के विरुद्ध युद्ध करें। और लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर विजयी होते हैं। चौथा ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच में। तो अकबर और हेमू के बीच में 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का सेकंड युद्ध होता है और इस युद्ध में अकबर विजयी होते हैं और हेमू पराजित होते हैं। ये अपने चार युद्ध थे, चारों युद्धों की डिटेल आपको मैं बता दी। अब आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करती है। तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो ये राज्यसभा के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा अपने में से ही इस उपसभापति का चुनाव करते हैं। अब उपराष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा के सभापति होते हैं और ये उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। और उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने में से ही करती है। देखो हमारी संसद में, हमारी संसद द्विसदनात्मक है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। देखिए ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? राज्य लोकसभा अस्थाई सदन है, यानी इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थाई सदन है, इसको कभी भंग नहीं कर सकते और इसके प्रति दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य बदल दिए जाते हैं, यानी ये कभी भंग नहीं होती। और लोकसभा है ये लोकप्रिय सदन है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही चुना जाता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही हम प्रधानमंत्री नियुक्त करें, राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। और हमारे इतिहास में ऐसा 4 बार हुआ है जब राज्यसभा से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं हुए थे, इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन भी एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा से कौन से पीएम नियुक्त हुए थे, तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और एच डी देवगौड़ा। ये 4 पीएम ऐसे हैं जो राज्यसभा से नियुक्त हुए थे और बाकी तो लोकसभा से ही नियुक्त हुए हैं। तो ये स्थाई सदन हो गया, ये अस्थाई सदन है, ये लोकप्रिय सदन है लेकिन इसको उच्च सदन कहा जाता है, ये निम्न सदन है लोकसभा। इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा में भी आप अंतर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? देखिए श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसमें क्या होता है, अपने जितने भी प्रक्षेपण किए जाते हैं ये श्री हरिकोटा से ही होते हैं। श्री हरिकोटा में एक अनुसंधान है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है ये, और यहां से ही इसरो के द्वारा यहां से जितने भी प्रक्षेपण किए जाते हैं अपने रॉकेट सैटेलाइट जितने भी होते हैं ये सारे इसी अनुसंधान केंद्र से होते हैं, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रानी की बाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? देखिए रानी की बाव बावड़ी गुजरात में स्थित है। देखिए इसका बाव का अर्थ होता है, बाव को गुजराती में अपने बावड़ी है, उस बावड़ी को गुजराती में बाव कहते हैं, क्या नाम से जाना जाता है, बाव के नाम से। और ये गुजरात है, ये पहले अहिल पाटन स्थान था, उसका वर्तमान में नाम बदलकर कर दिया गया है पाटन। तो वर्तमान में ये जो रानी की बाव है ये कहां पर स्थित है, पाटन गुजरात में। देखिए इसके क्या क्या विशेषता है, रानी की बाव का निर्माण उदयमती ने करवाया था और किसकी याद में करवाया, अपने पति भीम की याद में इसका निर्माण करवाया था उदयमती ने। और इसको यूनेस्को की हम विश्व धरोहर सूची में, देखो कोई भी अगर यूनिक चीज होती है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। तो ये रानी की बाव है, इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। और एक और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल कर लिया गया है। और एक आप रोज देखते हो जैसे कि अपनी करेंसी सांकेतिक मुद्रा के रूप में भी इसको शामिल किया गया है, 100 के नोट पर। देखिए ये 100 का नोट है और इस 100 के नोट के पीछे ये रानी की बाव का चित्र है। तो
तो आप इसे रोज देखते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है कि रानी की बाव है ये, तो आप इसे देखिए। तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया और अपनी सांकेतिक मुद्रा जो 100 रुपए का नोट है उसके ऊपर भी रानी की बाव का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए ग्रैंड मास्टर जो शब्द है ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ये राउरकेला में है, और ये राउरकेला कहाँ स्थित है? ये राउरकेला है उड़ीसा में। ये जो स्टेडियम है ये बिरसा मुंडा स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये स्टेडियम इतना बड़ा है कि यहाँ 21,800 लोग एक साथ मैच देख सकते हैं। इस प्रकार ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। देखिए ये भुवनेश्वर है, यहाँ भी है एक हॉकी स्टेडियम। और रांची है, ये रांची झारखंड की राजधानी है। रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? देखिए महात्मा गांधी के द्वारा कई पत्रिकाएं प्रकाशित करवाई गई लेकिन जिनमें इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यंग इंडिया। इसके अलावा महात्मा गांधी द्वारा एक तो नवजीवन, कौन सा जीवन? नवजीवन, और एक है हरिजन। ये दो समाचार, ये दो पत्रिकाएं भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे एक ऑप्शन में है केसरी। देखिए केसरी और मराठा ये दो समाचार पत्र थे, एक केसरी और एक मराठा। ये दो समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाए गए थे। इनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये इनकी एक इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि केसरी है नाम से लेकिन इसकी भाषा है मराठी, मराठी भाषा में है ये, और ये मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में है। तो आप इनका नाम और इनकी लैंग्वेज दोनों को ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार इसकी लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है। एक अपना ऑप्शन है इंडिया मिरर। तो इंडिया मिरर किसके द्वारा प्रकाशित था? ये मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर दो व्यक्तियों के द्वारा प्रकाशित थी ये पत्रिका, देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए मनमोहन का आपने पीएम से नाम याद रख सकते हैं आप, मिरर है और मिरर किसका है? मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड है, ग्रह के चारों ओर कौन कौन से पिंड घूमते हैं? तो ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट भी पश्चिम से पूर्व की ओर तरफ घूमती है, उपग्रह है और चंद्रमा है। ये तीनों ही ऐसे हैं जो हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? देखिए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य अपने में से ही इनका चुनाव करते हैं, इनका अलग से चुनाव नहीं होता है, ये अपने में से ही चुने जाते हैं और इनको एक ही बार शपथ दिलाई जाती है जब ये विधानसभा के सदस्य रहते हैं। इनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाती है, तो आप ये भी अच्छी तरह याद रखें। और एक है राज्यपाल, तो राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा। और मुख्यमंत्री है ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो आप इन दोनों का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि भारत रत्न,
तो ये पहला भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यह है भारत रत्न। और अशोक चक्र है, यह अशोक चक्र शांति के समय दिया जाता है, और ये किसके लिए दिया जाता है? शौर्य और पराक्रम के लिए, शौर्य और पराक्रम के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र है, यह भी शौर्य के लिए ही दिया जाता है, लेकिन यह अधिकतर मरणोपरांत दिया जाता है। तो क्वेश्चन है और लास्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी के जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, ध्यानचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? देखो ये अभी करंट का भी है और ये अपने भौगोलिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर याद रखें। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, ये देखिए आप। पहला है जम्मू कश्मीर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। दूसरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। तीसरा है दिल्ली की कैपिटल भी दिल्ली है। चौथा है पुदुचेरी, पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी है। पांचवा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आगे है छठा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की है कवरत्ती। सातवां है, इधर लिख देती हूँ आपको ये दिखाई नहीं देगा, सातवां है दादरा नगर हवेली व दमन द्वीप। इन दोनों को मिलाकर अभी एक कर दिए और इसकी कैपिटल है लद्दाख। ये भी अभी नया ही बनाया है, लद्दाख की कैपिटल है लेह। तो ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 8 केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल है, आप इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? देखिए सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित थी, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये इनकी शादी है जो ये पाकिस्तान के शोएब मलिक, शोएब अख्तर मलिक थे उनसे इन्होंने शादी की थी। तब भी इसका काफी विरोध हुआ था, लेकिन अब इन्होंने संन्यास ले लिया है अभी वर्तमान में। तो ये है, ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।